তাদের এক পাশ পুরোটা হচ্ছে পাহাড় আর এক পাশ কিন্তু পুরোটাই তাদের চীন এবং খুব কম খরচ আছে বাট সারা পৃথিবী মনে হয় চায়নার উপর একটু বেশি নির্ভরশীলতা মাঝে মাঝে আপনি আমাদের কথা একটু শুনেন যে কোনো একটা হলেই ইন্ডিয়ার পক্ষে কিন্তু ভালো সেটা প্রথম অপশনটা হলে দ্বিতীয় অপশনটা অটোমেটিক চলে আসবে এবং ছোট ছোট অনেক ইনফরমেশন আমরা জেনেছি যেগুলো আমি একটাও যুদ্ধ করতে পারিনি স্বাগতম সবাইকে বিশ্ব রিয়াকশনে আমরা চলে এলাম নতুন আরেকটি ভিডিও দেখতে আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি হচ্ছে খান জিএস রিসার্চ সেন্টার থেকে আর ভিডিওটি হচ্ছে চায়না ডিক্লেয়ার ওয়ার এগেনস্ট তাইওয়ান তো সেটার উপরে নিশ্চয়ই উনি একটি রিসার্চ করে যেগুলো জিনিস পেয়েছে সেগুলো আমাদের সঙ্গে ইনফরমেশন শেয়ার করেছে তো সেটা চলুন সবাই মিলে দেখে আসি চলুন जय हिंद देखिए हमारा पड़ोसी देश चाइना ने फिर एक ठो करतूत किया उसने इस बार ताइवान को धमकी दिया है ऐसे तो वो हर जगह धमकी देते रहता है वो ताइवान को दिया है तो ताइवान को वो अपना एक राज्य मानता है जबकि ताइवान वर्तमान समय में एक स्वतंत्र देश है ताइपे इसकी राजधानी है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ये बहुत आगे है ताइवान तो अगर हम पुरानी हिस्ट्री को अगर देखते हैं ताइवान में तो पहले ये चाइना जो था हान चाइना ये मेनली हान चाइना था ये वाला एरिया इस पे दो पार्टियों का रूल चलता था एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसको करते थे माओ त्सेतुंग और दूसरी पार्टी थी क्वेमेंटोंग पार्टी जिसको लीड करते थे चियांग काईशेक तो क्वेमेंटोंग पार्टी का पहले पूरा रूल था लेकिन जो कम्युनिस्ट वाले थे इनको मार मार के भगा दिए सब तो इन्होंने कहा कि भाई ये काम करते हैं हम लोग शरण ले लेते हैं ताइवान पे जाके तो इन्होंने ताइवान पे जाके शरण ले लिया और इनका कहना था कि भैया ये पूरा मेरा चाइना है जबकि कम्युनिस्ट का कहना है कि भैया हम तो ऑलरेडी मेरे पास ये है ये भी मेरा है तो ये ताइवान के लोगों से शुरुआत में बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि वो लोग यहाँ से रह के इसको कहते थे कि ये पूरा मेरा है और कम्युनिस्ट वाले कहते थे ये पूरा मेरा है लेकिन अभी के समय में ताइवान एक विधेयक लाने जा रहा है जिसके तहत वो कह रहा है कि नहीं हम भैया बाद में छोड़ो हम लोग को हम अब एक स्वतंत्र देश हैं तो उसका कहना है कि जिस दिन वहाँ के संसद से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है तो बाकी सारे देश उसको मान्यता देने लगेंगे और चाइना का एक बहुत बड़ा सपना टूट जाएगा क्योंकि चाइना की हमेशा से हड़प नीति रही है 1959 में इसने तिब्बत को कब्जा कर लिया 1962 में अक्साई चीन को कब्जा कर लिया अब इधर भारत को उलझा के रखे है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अगर ताइवान इस पर कब्जा कर लेता है चाइना कर लेता है क्योंकि चाइना ने एकदम ओपनली कहा है कि अगर संसद में ये प्रस्ताव को लाएंगे तो हम आपके ऊपर युद्ध थोप देंगे और दुख की बात ये है कि कोई भी बहुत बड़ा लीडर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लेवल का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है हम लोग भारत से ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारा उसके साथ सीमा विवाद चल रहा है कम से कम इस मौके पर तो हम कहेंगे ताकि उसको लगे कि नहीं वो हमारे इंटरनल मैटर में या हमारे सीमा विवाद को करेगा तो हम उसके विरोध करेंगे तो अब तक भारत से भी कोई बहुत बड़ा इसके खिलाफ कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है जिस वजह से उसका मन बढ़ते जा रहा है और अगर उसने ताइवान को कब्जा कर लिया तो इस एरिया में जापान के बाद जापान साउथ कोरिया के बाद सबसे ज़्यादा डेवलप इधर ताइवान है तो पूरे दुनिया में खौफ का माहौल हो जाएगा और एशिया का सुपर पावर चाइना आराम से बन जाएगा हालांकि भारत को इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि भारत को भी पता है कि अगर वो ताइवान को कब्जा कर लिया तो आगे वो अरुणाचल प्रदेश पर नज़र बढ़ाएगा और अरुणाचल प्रदेश में भारत को फंसा देगा और यहाँ पर हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहता है और उसके बाद साउथ चाइना सी वगैरह स्प्रेटले आइलैंड पारासेल द्वीप पर आराम से कब्जा करते चला जाएगा हालांकि भारत को ताइवान से अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ताइवान हर उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है जो चाइना से आती है चाइना से जितनी चाइना के सामान को हम लोग क्यों नहीं बाइकॉट कर पाते क्योंकि चाइना वो चीज़ों को सस्ते देता है सेम रेट में वही चीज़ ताइवान हम लोग को दे देता है लेकिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं नेहरू से लेके मोदी जी तक जब भी चाइना जाते हैं या चाइना से कोई भी व्यापार करना रहता है तो एक समझौता होता है जिसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी जिसके तहत कहा जाता है कि चाइना एक है मतलब ये चाइना है ये ताइवान इसी का एक पार्ट है जिस वजह से हम लोग यहाँ से सामान को नहीं खरीद पाते हैं तो हमें डबल लॉस होता है एक व्यापारिक लॉस होता है एक उसका मनोवैज्ञानिक लॉस होता है तो हम लोग को तो ताइवान को मान्यता कब का दे देना चाहिए क्योंकि वो एक अब खुद देखिए किस तरह से उसकी मन बढ़ी है कि अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र देश हो हमारा अपना राज्य हो के कहता है कि मेरा और हम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते जबकि ये पूरी दुनिया जान रही है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है हम लोग भी इसका विरोध नहीं कर रहे हालांकि ताइवान देखेंगे तो ताइवान इधर ताइवान के राष्ट्रपति भी जो हैं वहाँ पर काफ़ी खुल के विरोध किया ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ताइवान में ये पहाड़ वाला एरिया है आपको ज्योग्राफी के नक्शा में पढ़ाए थे कि ब्राउन कलर का एरिया पहाड़ का होता है तो ये बहुत ही छोटा लेकिन बहुत संपन्न देश है देखिए चाइना की जो नीतियाँ होती हैं वो बहुत लंबे सोच समझ के होती हैं चाइना को पता है कि अगर उसने ताइवान पर कब्जा किया तो हो सकता है कि उसको इस साइड में नेवल ब्लॉकेज
देखने को मिले, या फिर उसे कोई अवरोध भारत अगर या हिंद महासागर में लगा दे तो उसे समस्या देखने को मिलेगा। इसलिए वो अभी से CPEC सड़क पर काम करना बहुत तेजी से कर दिया, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये यहाँ से आता है, भारत इसे भी नहीं रोका उतने पुरजोर तरीके से, क्योंकि यहाँ बताइए हमारा POK से होते हुए POK पाकिस्तान मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ये POK से निकल के जाता है और ये ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। अब ये जो ग्वादर बंदरगाह ये पाकिस्तानी से बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान दोनों मिल के कर रहे हैं ये CPEC सड़क से, कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो भारत कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लेगा। और भारत के पास भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, चाइना की सबसे कमज़ोर नस को पकड़ लिया है भारत। देखिए चाइना का जितना भी व्यापार होता है 60% व्यापार चाइना का इसी मलक्का से होता है, ये पतला सा समुद्र के रास्ता को हम कहते हैं मलक्का, और इसके टोटल ऑयल यानी जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम आता है उसका 80% इसी मलक्का से होता है। इसलिए चाइना को ये मलक्का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसका सब्स्टिट्यूट खोजता है कि वो यहाँ से उतर जाए CPEC के थ्रू यहाँ पर, लेकिन ये उतना सूटेबल नहीं हो पाता है क्योंकि चीन का पूरा डेवलप एरिया ये वाला है, हान चाइना जिसे कहते हैं, और इधर तिब्बत तो पूरा पहाड़ है, इनर मंगोलिया मरुस्थल है, यहाँ पे भी मरुस्थल है, ये तो ये सिंजियांग प्रांत अशांत रहता है, तो उसको मलक्का पे ही निर्भरता रहना पड़ता है। अब मलक्का के साथ खराबी क्या चीज़ है कि मलक्का जो है वो भारत के काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में है, या अंडमान निकोबार है, इसे सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने उपहार में दिया था। क्वेश्चन भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एवं निकोबार को जापानियों से गिफ्ट प्राप्त करने के बाद इसका नाम क्या रख दिया था, तो इसका नाम रखा था शहीद एवं स्वराज नाम रखा था। तो अब ये जो मलक्का है जैसे यहाँ से निकलेगा कोई भी शिप या कोई भी ऑयल टैंकर तो यहाँ हमारी थल सेना वायुसेना नौसेना तीनों रहती है, एकमात्र जगह जहाँ ये तीनों का ट्राई कमांड है, जहाँ तीनों एक जगह काम करती है उसे थिएटर कहेंगे। तो एक तरह का कहिए तो आर्मी ये हमारी मिलिट्री का थिएटर है, तो यहाँ पर हमारी तीनों सेना रहती है। तो चाइना को ये पता है कि अगर इधर से गए तो थूर देंगे, तो चाइना इसका एक सब्स्टिट्यूट सोचता है कि वो यहाँ तक आए और नीचे सुंडा से होके निकल जाए। तो भाई साहब सुंडा से अगर होके निकलता है तो अगर भारत से ऐठेगा तो यहाँ पे तो थुरैबे करेगा, मलक्का तो पार करना इम्पॉसिबल है भारत के बिना सहमति के, तो वो यहाँ से भाग जरूर जाएगा, तो यहाँ उसको डबल घाटा लगेगा। कैसे कि अगर मलक्का के बदले अगर वो सुंडा से जाता है तो ये रास्ता ज़्यादा हो जाएगा, और केवल 1 वीक का, एक हफ्ते में इसको जो लॉस लगेगा 470 करोड़ का लॉस लगेगा। अगर एक हफ्ते भी भारत ने इस मलक्का को बंद किया, हमला नहीं किया बस बंद किया कि तुम इधर से ना जाके इधर से जाओ, तो चाइना को 470 करोड़ का घाटा लगेगा। और मान के चलिए वो सुंडा से आ भी गया, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 470 करोड़ हर हफ्ते घाटा सह भी सकता है वो, तो फिर यहाँ आओगे तो यहाँ तो हमारी नौसेना बैठी है भैया हिंद महासागर में, हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं है, छुट्टा साड़ है हमारी नौसेना हिंद महासागर में, और हमारी नौसेना को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कई कई ठो समुद्र में युद्ध लड़े हुए हैं हमारी नौसेना ने, तो ये चाइना को डर है इस बात का, फिर भी हम लोग विरोध नहीं कर पाते। जबकि देखिए चाइना हमारे ऊपर क्यों हमला करते रहता है, मतलब बार बार गलवान में घुस जाता है, मतलब हमला कहने का सेंस मतलब एक तो डिस्प्यूट पैदा करते रहता है यहाँ पे नाकुला के पास या यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश के पास, क्योंकि चाइना को पता है कि एशिया में एकमात्र देश भारत है जो ताइवान को हड़पने से रोक सकता है, इसलिए वो पहले से ही भारत को टॉर्चर करके रखता है, इधर उलझा के रखता है। लेकिन भारत को भी सोचना चाहिए कि हम कब तक डिफेंसिव रहें, बार बार बचते रहेंगे। कहा जाता है कि ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव, बचने से अच्छा हमला कर दो यहाँ पर, तो हमें भी एग्रेशन लेना चाहिए वहाँ पर। भारत जो है वो विरोध नहीं कर पाता है चाइना का, क्योंकि चाइना एक चीज में कामयाब है कि भारत के लोगों के ऊपर एक मेंटली मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है, और हमारे यहाँ के जो मतलब टॉप लेवल के अधिकारी भी है ना वो भी मतलब चाइना को लेके थोड़ा सा मतलब ओपनली नहीं हो पाते, जबकि चाइना की बहुत सारी कमजोरी है। एक तो हम आपको बता दिए मलक्का, अब चाइनीज मिलिट्री को देखिए, यूं तो कहने के लिए 23 लाख की मिलिट्री है, तो भैया तुमने 23 लाख बवाल भी पाल के रखा है, तुम्हारा जापान से नहीं जमता है, उत्तरी कोरिया से नहीं जमता है, ताइवान से नहीं जमता है, फिलीपीन से नहीं, वियतनाम से नहीं, मतलब हर जगह तो बवाले रखे हो, तो वो पूरी आर्मी हटा भी तो नहीं सकते हो, इसकी आर्मी की भी थोड़ा सा हम लोग पड़ताल कर लेते हैं। तो चाइनीज की जो आर्मी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन इसी की आर्मी में, हमारे यहाँ घोटाले होते हैं बट वो नेता लोग कर देते हैं, चाहे वो जीप घोटाला हो नेहरू के समय का, चाहे वो ताबूत घोटाला हो कारगिल के टाइम का, या फिर बफोर्स घोटाला हो, जो भी हो घोटाले, तो वो इसमें सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती, लेकिन चाइना में क्या है कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी ही डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं करप्शन में, तो जिस वजह से
वहाँ पे टॉप आर्मी के अधिकारियों तक को भी सजा होती रहती है। देखिए कभी भी आप देखिएगा तो भारतीय सैनिक जब लड़ते हैं तो वो कम शहीद होते हैं या कम घायल होते हैं, और वहीं चाइना की सैनिक लड़ेंगे तो वो ज्यादा घायल हो जाएंगे, ज्यादा शहीद हो जाएंगे। मतलब वो लोग हमेशा ज्यादा थुरा के जाते हैं, चाहे वो गलवान वाला देखिए चाहे नाकुला में देखिए, हमेशा यही होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए सबसे बड़ा चाइना जो छुपा के रखता है, चाइना में केवल एक पार्टी की सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, और चाइना के पास आर्मी ही नहीं है। वहाँ की आर्मी वहाँ के देश की नहीं है, वहाँ की पार्टी की आर्मी है, जिस वजह से वो देश प्रेम के भावना से नहीं लड़ पाते हैं, वो बल्कि पार्टी प्रेम की भावना से लड़ते हैं। आप कल्पना कीजिए भारत में अगर इंडियन आर्मी के जगह पे बीजेपी की आर्मी हो या कांग्रेस की आर्मी हो या समाजवादी पार्टी की आर्मी हो, तो क्या ये इन फौजियों के दम पर हम देश लड़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, पार्टी प्रेम की भावना है। तो जब चाइनीज आर्मी लड़ती है ना बॉर्डर पे आके, तो उनको पता रहता है कि भैया हमको देश, हम मरेंगे तो देश के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए करेंगे, तो पार्टी के लिए। यानी चीन की जो सेना है ना वो एक तरह की पार्टी की कार्यकर्ता है, बस इतना समझिए। अगर चाइनीज फौज को देखना है ना, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को लाइए, कुर्ता फाड़िए, एक फौज का ड्रेस पहना दीजिए, हो गया चाइनीज आर्मी। जबकि भारत के साथ किसी पार्टी की सेना नहीं, हमारे पास जो सेना है वो हमारे देश की है। कांग्रेस आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए, कोई भी आए, हमारी आर्मी उसी हिसाब से लड़ेगी, और जब वो लड़ती है तो देश प्रेम की भावना से लड़ती है वहां पर, जबकि वहां ऐसा नहीं होता है। और यही चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर चाइना को तोड़ना है तो कोई बाहर की शक्ति उसे तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। तोड़ना है तो उसकी पार्टी को तोड़िए, क्योंकि चाइना के अंदर अगर पार्टी में विद्रोह होगा, कम्युनिस्ट पार्टी टूटेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास फौज है, फौज भी टूट जाएगा। यही हुआ था, अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने सोवियत संघ को नहीं तोड़ा था, सोवियत संघ के पार्टी को तोड़ दिया था। तो पार्टी 15 भाग में टूटी, 15 देश में टूट गया सोवियत संघ। यूएसएसआर 1991 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, ये टोटल 15 देशों में टूट गया। तो भारत सरकार को भी कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरह से करके हमें उसकी पार्टी में तोड़ना है। अब देखिए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ना इतना आसान नहीं है, वहां पर बड़े बड़े उद्योगपति, इवन कि भारत में उसके कितने उद्योगपति हैं जो भारत में हैं लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी देश में कम्युनिस्ट सरकार तभी चल सकती है जब उसके पास अर्थव्यवस्था यानी पैसा हो। अगर पैसा टूटेगा ना तो लोग सरकार से सवाल उठने लगते हैं, जब गरीबी महंगाई ये आती है तभी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर गरीबी महंगाई नहीं रही तो लोग आराम से चलते हैं, यार किसी की भी सरकार है छोड़ो ना, हमको क्या मतलब है, सब चीज़ मिल ही रहा है। तो चाइना के पास यही प्लस पॉइंट है, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी तभी टूटेगी जब उसके पास उसका व्यापार टूटेगा, और उसके व्यापार तोड़ने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया जगह है यही मलक्का। अगर मलक्का को ब्लॉकेज लगा देंगे लोग तो आराम से कर सकते हैं। अब देखिए वो पार्टी जो है चाइना की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए लोगों का, अब वो तरह तरह का एग्रेशन करती है, जैसे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, गलवान में घुस गया, ये दिखाना चाहती है देखो तुम्हारी पार्टी कितनी अच्छी है, देश के लिए काम कर रही, जबकि वहाँ की फौज का मनोबल कितना नीचे है आप समझ सकते हैं। यही वजह है कि अगर 10 चाइनीज फौजी खड़े रहते हैं और एक भारतीय फौजी खड़ा रहता है तो अंतर आ जाएगा। ये एक लड़ रहा है अपनी मातृभूमि के लिए, ये एक लड़ रहा है अपनी भारत माँ के लिए, ये अंतिम सांस तक लड़ेगा, लेकिन वो लड़ रहा है अपनी पार्टी के लिए, उसके लिए देश प्रेम है ये नहीं है यहाँ पे, तो बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन वो चाइना डरा देता है 23 लाख फौज, अरे यार तुम्हारे देश की फौज है, तुम्हारी पार्टी की फौज है, उस तरह से हम लोग मोदी जी दिखाए हमारे पास 23 लाख कार्यकर्ता है सर, तो कार्यकर्ता को वर्दी पहना देंगे फौज नहीं हो जाएगा, तुम्हारे पास पार्टी के मेंबर है सर, फौजी नहीं है सर वहाँ पर, ये गड़बड़ हो जाता है। और ये जो मिलिट्री देख रहे हैं चाइना की नहीं है, वो भैया पार्टी की है, महिला जो है ऐसे ऐसे चल रही है। एक बार तुम लोग अगर हरियाणा की लड़की से एक लात खाओगी ना तो सकल उधर घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा, पता नहीं है यहाँ पे आएंगी सब, इतोरो इतीती होती है सब, पिटा के चली जाएगी सब। पूरी दुनिया को चाइना डरा के रखता है अपनी मिलिट्री पावर के हिसाब से, ये उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर है। वो क्या करता है, अपने हथियारों को बहुत ज्यादा दिखाता है, और रियल में उसके पास हथियार ज्यादा है भी, लेकिन वो हथियार पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं करता। जैसे हमारे एयरफोर्स में सबसे ज्यादा कौन सा हथियार है, सुखोई 30, उसके बाद MiG-29, ये हमारे मेन जहाज है। लेकिन चाइना की एयरफोर्स, पूरी दुनिया को लगता है अरे चाइना का एयरफोर्स इंडिया से तगड़ा है, लेकिन भाई साहब चाइना की एयरफोर्स का सबसे ज्यादा कोई जहाज है तो चेंगडू J-7। आप कहेंगे कौन जहाज है, अरे भैया वही MiG-21 है जो भारत में गिरते रहता है, जिसे हम लोग उड़ता हुआ ताबूत, फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जानते हैं। मतलब देखिए उसने इतना बेहतरीन ढंग से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया कि सेम जहाज का नाम बता दिया चेंगडू J-7, लोगों को पता ही नहीं। लेकिन अब जैसे मान के चलिए हम लोग भी किसी जहाज का नाम रख देते हैं महाशीला कंटक, रेडियो पर बात हो रहा है लद्दाख में महाशीला कंटक पहुंच गया, तो भाई चाइनीज सब सुनेगा सब, भाई महाशीला कंटक से युद्ध आ रहा है,
बम गिराया जाएगा महाशिला कंटक। ये कौन चीज है भाई महाशिला कंटक? तो पता चला गिरी हुई राफेल है, भारत ने राफेल का नाम महाशिला कंटक रखा। तो भारत को भी जो भी विमान है उनका भारतीय नाम रखना चाहिए, महाभारत के समय जो भयानक भयानक युद्ध हथियार होते थे वो सब का नाम रखना चाहिए यहाँ पर, ताकि रेडियो पे कभी लगे भी तो कंफ्यूजन में हो जाए। अब हम ही लोग का चेंगडू J7 आ रहा है, कहीं कौन हथियार है, कहीं MiG-29 आ रहा है, MiG-21 आ रहा है, तो लगेगा ना कि नहीं भैया ये बहुत पुराना जहाज है। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है चाइना, उसके जितने भी हथियार वगैरह कहीं टेस्टेड है, सुने हैं कभी कि चाइना के हथियार से यहाँ हमला हुआ वहाँ नहीं, अपने से टेस्ट करके अपने अच्छा है मेरा अच्छा है एकदम एक नंबर है वहाँ उसका। कैसे रूस का वैक्सीन आ गया, चाइना की वैक्सीन आ रही थी, कहाँ गया वो सबका वैक्सीन और रूस चाइना वाला सबका। चाइनीज आर्मी की एक बहुत बड़ी कमजोरी तब सामने आ गई जब अमेरिका ने कह दिया कि उनके पास युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और हकीकत भी 1962 के बाद चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इवन आज तक चाइना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है आज तक। जैसे आप कहेंगे कि 62 में लड़ा है कि नहीं, देखो भैया प्रथम युद्ध के प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो तो अपने में गृह युद्ध लड़ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भैया सब तिब्बत के लोग वैसे भी शांति प्रिय होते हैं, बुद्ध की धरती है वो युद्ध नहीं करना चाहते, उस पर कब्जा कर लिया अपने, तो कहेंगे युद्ध हो गया। 1962 की जो लड़ाई थी वो नेहरू की गलती थी, क्योंकि नेहरू ने अगर एयरफोर्स दिखाई रहती ना तो आज के वक्त में तिब्बत स्वतंत्र हुआ रहता, समझ में। तो वो उस समय उनकी गलती थी, वो 1962 में क्या क्या गलती थी, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या गलती की गई थी, ये सब क्या थी। कृष्णा मेनन उस समय छुट्टी मनाने गए थे जब युद्ध चल रहा था, हम लोग के उस समय के रक्षा मंत्री छुट्टी मना रहे थे, यहाँ गृह यहाँ ही हो रहा था। उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नेहरू जी के रिश्तेदार थे, अरुणाचल प्रदेश में गए युद्ध का सीन देखने के लिए, तो डर के मारे कह दिए गए मेरा तबीयत ठीक नहीं जा रहा एम्स में दिखाने, और वापस आके घरे चलाए थे। तो ये गलती थी उस समय की जो 1962 की लड़ाई जीत के दिखा दिए, और अभी का वक्त बहुत अलग है। तो ये चाइना को है, और इवन कि चाइना के जो मिलिट्री के टॉप जनरल थे वो रिटायरमेंट के समय कहें कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं दुनिया की सबसे विशाल सेना का नेतृत्व करके आज रिटायर हुआ हूँ, लेकिन तकलीफ बस इस बात की है कि मैंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया। वाह ये वैसे ही है अगर कोई लड़की भारत में कहे कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं बहुत सुहागन हूँ, 50 सालों से सुहागन हूँ, लेकिन तकलीफ बस इस बात का है कि कभी ससुराल नहीं गई हूँ। तो सुहागन है ससुरी, ससुराल ना गई है, यही हाल है चाइना का। दूसरा चाइना का जो सबसे बड़ा चीज है वो वार कभी भी देखेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज में जल्दी चाइना भाग नहीं लेता, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में चाइना भाग नहीं लेता, क्योंकि उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। वो अपने में एक्सरसाइज करेगा, नेपाल से करेगा, पाकिस्तान से करेगा, वहाँ पे एक बार उसने एक्सरसाइज में भाग ले लिया, इंटरनेशनली ले लिया भाग, वर्ल्ड एक्सरसाइज में जहाँ पूरी दुनिया आई थी, तो वहाँ एक्सरसाइज होता है तो कहा गया आप 1500 टैंक को यहाँ पहुँचाइए, तो जो 1500 टैंक 6 घंटे में पहुँचने चाहिए चाइना ने उसे 2 दिन में पहुँचाया था। तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब इनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो लेकिन अगर वही युद्ध अभ्यास चाइना खुद करता है तो वो क्या करेगा, ट्रेन रोक दो, सब चीज रोक दो, मिलिट्री को निकालो। अरे भाई साहब ओरिजिनली में वार ऐसे थोड़ी होता है, तो अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे ही होता है जैसे इंडिया में एसएससी के लड़के तैयारी करते हैं, अपने से सेट मारेंगे 80 नंबर आ रहा है, कट ऑफ के बाहर है, एग्जाम में जाएंगे 60 नंबर आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएंगे। तो यही होता है वहाँ पे चाइना में। भाई आप सेल्फ असेसमेंट करके ये नहीं बता सकते कि एग्जाम में क्या लेवल आएगा, जबकि भारत को देखेंगे तो हम जापान से युद्ध अभ्यास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, चाइना से, जापान से, सबसे करते रहते हैं, नेपाल से भी करते हैं, तो हम अपने पड़ोसी देशों से भी करते हैं, छोटे देश से भी करते हैं, बड़े देशों से करते हैं, बहुत जितने भी बड़े देश हैं सबसे हम लोग युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई भारतीयों को भी कहते हैं कि आप मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइए, हमें ताइवान के साथ खड़े रहना है हर हाल में, क्योंकि अगर ताइवान को छोड़े तो फिर पूरे एशिया में लोग मजबूरी में फिर नतमस्तक हो जाएंगे चाइना के आगे, फिर हम लोग एकदम अकेले रह जाएंगे। अब मोदी जी को भी कहते हैं कि भाई ये सब ससुरन सबको मत डरिए, यहाँ पर आप एक्शन लीजिए, अब तक स्टेटमेंट दीजिए, कुछ ना कुछ ताइवान को नहीं छोड़िए, और अगर हम ताइवान को ले लेते तो हम चाइना से सामान को रोक देंगे। सेम चीज में आप खुद सोचिए, चाइना हमारे यहाँ सामान इतनी लड़ाई झगड़े के बावजूद क्यों बेच देता है झालर मोती, सस्ता आता है, सेम रेट ताइवान में मिलता है। बस जिस दिन मान्यता दे दिए मोदी जी कि भाई साहब आप हम यहाँ से खरीदेंगे, वन चाइना पॉलिसी हम नहीं मानते, मोदी जी से भी कहते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं इधर देखिए हमारी ओर तो नहीं, बात सुन के खाली अपने मन के बात कर देते, हम लोग का भी मन का बात सुनिए ना, आप या तो चाइना से कहिए कि हम तुम्हारा वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते, या तो चाइना को ये कहिए कि तुम भी वन इंडिया पॉलिसी मानो। वन इंडिया पॉलिसी का मतलब तुम भी मानो कि पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पीओके पाकिस्तान का नहीं है, अक्साई चीन तुम्हारा नहीं है, और अरुणाचल प्रदेश भारत का है, तो तुम भी मानो वन इंडिया पॉलिसी, तो हम मानेंगे वन चाइना पॉलिसी और हम ताइवान की ओर नहीं देखेंगे।
अगर मान लिया तो ठीक है, तो भैया पीओके हमारा, तब तो अगले दिन ससुरा हमला कर देंगे लोग हम लोग, और अक्साई चीन हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, टेंशन खत्म, समझ आएगी नहीं क्या? लेकिन अगर तुम नहीं मानोगे वन इंडिया पॉलिसी, तो हम भी वन चाइना पॉलिसी नहीं मानेंगे, तो ऑटोमेटिक ताइवान एक देश हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, समझौते टूट जाएगा, हम सारा सामान को यहां से खरीद लेंगे, तुम्हारा व्यापार रोकने की जरूरत नहीं है, वापस चले जाओगे, क्योंकि ताइवान से सस्ता टिकाऊ सामान चाइना भी नहीं दे सकता है, इसलिए उसने पूरी दुनिया पर बैन लगा रखा है। आप बताइए क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी नहीं मनवाना चाहिए? मनवाना चाहिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमें वन इंडिया पॉलिसी मनवाना चाहिए या चाइना की वन चाइना पॉलिसी को त्याग देना चाहिए। हमारे लिए तो भैया दोनों ऑप्शन में जो कर लो वो सही है, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए, ताकि सरकार दबाव में आके ऐसा उठा सके। हमारी सेना के पास ये गट्स है, कर सकती है, लेकिन उस देश का क्या होगा जिस देश की मीडिया 142वें स्थान पर है? हमारी सेना दुनिया में चौथे स्थान पर आती है लेकिन कभी नहीं फड़फड़ाती है, लेकिन हमारे देश की मीडिया 142वें नंबर पर आती है और बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है। तो उनको ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन अब तक हमारे ख्याल से आप मेन स्ट्रीम मीडिया खोजेंगे उसमें ताइवान का न्यूज़ शायद गायब मिलेगा आपको। हाँ, कुछ इंग्लिश वाले होंगे या वर्ल्ड न्यूज़ को देखेंगे तब वो सब ये कवर करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है हम ये कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि चाइना की कमजोरियाँ क्या क्या चीज़ें हैं? ये सब चीज़ है, और हमारे इस समय की सरकार भी ये कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिए गए, जैसे 370 को हटा देना बहुत बड़ा डिसीजन था, तो मोदी जी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर उठाया जाएगा तब आगे आप क्या सोचते हैं आप बताएंगे कमेंट करके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय आंसर इज ऑसम, आंसर इज ऑसम। ঠিক আছে, আমি এই বেশ কিছুদিন ধরে চায়না তাইওয়ানের উপর অ্যাটাক করতে যাচ্ছে এই ধরনের বিষয়গুলো শুনতেছিলাম নিউজে, তো এটা নিয়ে আমি খুব কনফিউশনে ছিলাম। আসলে তাইওয়ান তো একটা স্বাধীন দেশ, কেন তার উপরে অ্যাটাক করবে? আর তাইওয়ান খুব উন্নত এই জন্যে যে তাদের একটা, আমি ম্যাপে যতটুকু দেখেছি তাদের এক পাশ পুরোটুকু হচ্ছে পাহাড়, আর এক পাশ কিন্তু পুরোটাই তাদের সিটি, মেবি 5টা সিটি নিয়ে হচ্ছে পুরো দেশটা, আর সম্পূর্ণ দেশটাই হচ্ছে টেকনোলজি নির্ভর। তো আমি যতটুক আগে থেকে জানি সেটা হচ্ছে যে তাইওয়ান সব ধরনের প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে টেকনিক্যাল, আর আমরা আসলে শুধু বলবো না যে ইন্ডিয়া, বাট সারা পৃথিবী মনে হয় চায়নার উপর একটু বেশি নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে আমার কাছে মনে হয়েছে। তো আর তাছাড়াও চায়নার যে মানে অন্যের জায়গাগুলো দখল করার যে একটা প্রচেষ্টা সবসময় দেখেছি, তো সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা অতিরিক্ত এই ব্যাপারটা। এখন তাইওয়ান যে একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ছিল, সেখান থেকে তাকে এখন তারা আবারও বলছে যে তারা যদি স্বতন্ত্র ঘোষণা করে তাহলে সে তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে, এটা একটা ব্যাপার। তাছাড়া ইন্ডিয়ার সঙ্গে সবসময় কিছু না কিছু জায়গা নিয়ে তাদের সমস্যা লেগেই থাকে। তো সেক্ষেত্রে আসলে চায়নাকে এত সহজে ডমিনেট করা যাবে কি না আমি জানি না, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ, উনি যেটা যে পরামর্শটা দিল এটা একটা সলিউশন হতে পারে, যে হ্যাঁ ওদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কটা একটু কমিয়ে দিয়ে তাইওয়ানকে যদি স্বীকার করে তাইওয়ানের সঙ্গে ব্যবসাটা বাড়িয়ে দেয় সেক্ষেত্রে হয়তো বা সলিউশনটা বেড়ে যাবে। তবে খান স্যারের যে ব্যাপারগুলো ছিল, মোদিজিকে বলছে যে মাঝে মাঝে আপনি আমাদের কথা একটু শোনেন, সাধারণ জনগণের কথা, সেটা যে বলার ভঙ্গিটা ছিল সেটা খুবই কিউট এবং সুইট ছিল, কারণ আসলে হয়তো বা অনেক উপরের লেভেলে যারা থাকে তারা অনেক কিছুই চিন্তা করে, অনেক কিছু চিন্তা করে দেশের জন্য ডিসিশন নেয়, আর সেক্ষেত্রে আমরা একটু অন্যভাবে চিন্তা করি, তো সেটা আসলে তাদের উপর নির্ভরশীল তারা কিভাবে দেশটাকে চালাতে চাচ্ছে। আমরা সাধারণ জনগণ হয়তো অনেক কথা বলতে পারি, তুলে ধরতে পারি, কিন্তু তাদের কথাটাই আসলে মেইন। আর যে জিনিসটা হচ্ছে যে উনি ফান্ড করে হলে ও বলুক, আর সিরিয়াসলি বলুক, যেটা যে ইন্ডিয়ার মিডিয়া হচ্ছে 142তম না 42তম এরকম কথাটা বলেছে, এরকম একটা পজিশনে আছে, পজিশন আছে যে জায়গা হচ্ছে ইন্ডিয়ান আর্মি ফোর্স 4 নম্বরে আছে। তো এই মিডিয়া যদি চায় তারপরও, তাহলে কেবল সম্ভব যে তাইওয়ানকে এই ধরনের যুদ্ধের আগ্রাসন থেকে দূরে রাখা।
আর চায়না যতই দেখাক না কেন, চায়নার কাছে আসলে মিলিটারির সেই রকম পাওয়ার নেই, কেননা চায়নার মিলিটারি হচ্ছে কমিউনিস্ট মিলিটারি, এরা হচ্ছে প্রপার মিলিটারি না, যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, তারা আসলে মাত্র দেশের জন্য না। উনি ভিডিওতে বলেছে তো সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমরাও জানি না যে আসলে সেটা তাদের কমিউনিস্ট পার্টির মিলিটারি অথবা তাদের রাষ্ট্রের মিলিটারি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা ঠিক যে তারা আসলে ইন্টারন্যাশনালি কিন্তু কোনো কোনো ট্রেনিংয়ে বা প্র্যাকটিসে অংশগ্রহণ করে। তো আমাদের দেশ থেকেও কিন্তু মাঝে মধ্যে সেনাবাহিনী থেকে লোকজন যায়, বিভিন্ন এয়ারফোর্স থেকে লোকজন যায়, নেভি থেকে লোকজন যায় বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আমরা রাশিয়া এবং ইন্ডিয়া থেকে কিন্তু বেশিই যায়। তো এছাড়াও ইউকেতে ইউএসএ যাই, তো সেখানে তারা কিন্তু অন্যদের সঙ্গে অন্য দেশের সৈন্যদের সঙ্গে তারা প্র্যাকটিস করছে, একসঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে জানছে শুনছে, কিন্তু চায়নার ক্ষেত্রে এতটা কিন্তু আমি কখনো আমার কাছে কখনো চোখে পড়েনি যে নিউজে দেখিনি। সেক্ষেত্রে হয়তোবা ওনার কথাটাই সত্য হতে পারে যে আসলে তারা নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস করে কিন্তু বাহিরে তাদের কোনো প্র্যাকটিস নাই, কেননা তারা তাদের পুরাতন যে সমস্ত অস্ত্র আছে সেগুলোকেই তারা শো আপ করে ভিন্ন নামে। তো সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি এটা কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অনেক সুন্দর ছিল যে তারা যে নামে বলে আসলে তাদের দেশীয় একটা নাম দেয়, এবং এটা নাম দিয়ে আসলে কি এক ধরনের ভয় তৈরি করে মানুষের মধ্যে যে না এটা মনে হয় নতুন কোনো কিছু এসছে, যা হচ্ছে আমরা এটা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না যে এটা কীভাবে কাজ করে। তো তখন বাকি যারা জানে না তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভয় কাজ করে যে হয়তো বা এটা আমাকে কীভাবে আমাকে আঘাত করতে পারে বা আমি কীভাবে এটার থেকে প্রোটেক্ট পেতে পারি, তো সেক্ষেত্রে হয়তো তারা অনেক ভয় পেয়ে যায়। এই জন্য উনি রিকমেন্ড করছে যে না আমাদের দেশের সেনাবাহিনীর যে সব জিনিসপত্র আছে অস্ত্র আছে সেগুলাকে যেন তারা দেশের মতো বা মহাভারতের যেসব পুরনো অস্ত্রের নাম টাম ছিল সেগুলো যেন ইউজ করে। এটা এটা অনেক ফানি ছিল যে না এটা আসলে কিন্তু এটা বাস্তব যে একটা মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করে রাখে আসলে চায় না। এবং এখন যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখনো কিন্তু করোনার কারণে অনেক ধরনের মেন্টাল প্রেশার তারা কিন্তু সারা পৃথিবীর উপরে দিয়ে রাখছে, কারণ সস্তায় তার কাছ থেকেই আমাদেরকে জিনিসপত্র আনতে হচ্ছে, এবং এটা ছাড়া অনেক তারা টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে গেছে যার কারণে আমরা আমাদের আসলে আর কোনো ওয়ে নাই তাদের কাছে যাওয়া ছাড়া। তাইওয়ান থেকে ইন্ডিয়া সেই সুযোগটা নিতে পারে যদি ওয়ান চায়না পলিসিটা তারা ক্লোজ করতে পারে, তাহলে তারা সহজে তাইওয়ান থেকে প্রোডাক্ট নিতে পারবে। আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে খান সাহেব এখানে কিন্তু দুটা অপশন দেখালো, যে একটা হয় তাদের সাথে পলিসিটাকে চেঞ্জ করার অথবা চায়না ওয়ান পলিসি চেঞ্জ করার, অথবা তাদের তিনটা যে রাজ্যতে তারা যে প্রবলেমগুলো মানে তাদের বলে দাবি করছে ওগুলা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে, তো যে কোনো একটা হলেই ইন্ডিয়ার পক্ষে কিন্তু ভালো, সেটা উনিও বলছেন যে কোন যেটাই হোক না কেন সেটা ইন্ডিয়ার জন্য ভালোই হবে। হ্যাঁ, কিন্তু উনি আসলে প্রথমটাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছে, কেননা তাইওয়ানের উপর অ্যাটাক আসলে এটা আসলে উনিও চাচ্ছে না। আর এটা আসলে কি প্রথম অপশনটা হলে দ্বিতীয় অপশনটা অটোমেটিক চলে আসবে, এই কারণে উনি হয়তো প্রথমটাকে প্রেফার করছে। তো ওভারঅল ভিডিওটা অনেক ভালো ছিল, কারণ ওনার বাচনভঙ্গি অনেক সুন্দর, তো সে কারণে ওনার ভিডিওটি দেখতে খুবই ভালো লাগে এবং অনেক ইনফরমেশান থাকে আমাদের সবার জন্য। যেমন আমরা কিন্তু নিচে যে আরেকটা লাইন আছে যেখান দিয়ে তারা পাস হতে পারবে এটার সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানতাম না, তো এখানে সাগরের যে ইনফরমেশানটা এটাও কিন্তু অনেক ভালো একটা ইনফরমেশান ছিল। তো এরকম ছোট ছোট অনেক ইনফরমেশান আমরা জেনেছি যেগুলো আসলে আগে জানতাম না। তাছাড়া উনি কিন্তু কিছু ফানি জিনিসও অ্যাড করেছে, যেমন হচ্ছে যে চায়নার মিলিটারিতে যিনি প্রধান উনি 60 বছর জব করার পর যখন রিটায়ার হচ্ছে তখন বলছে যে আমি আসলে খুব গর্বিত যে আমি একটা বড় সেনাবাহিনী থেকে অবসরে যাচ্ছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমি একটাও যুদ্ধ করতে পারিনি। এটাই আসলে সেক্ষেত্রে বলবো যে ওভারঅল ভিডিওটি কিন্তু খুবই ভালো ছিল, খুবই ভালো ছিল, খুবই ইনফরমেটিভ ছিল। আর আশা করি আপনাদেরও খান স্যারের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো ওনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের ভিডিওতে একটু লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন আমরা আর কোন কোন ধরনের ভিডিওতে রিয়াকশন দিয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।